दोस्तों मेरे सामने एक ट्रांसजेंडर फीमेल बैठी हैं, आज से करीब 1.5 ईयर बैक वो मेल से फीमेल कन्वर्जन के लिए हार्मोन थेरेपी स्टार्ट किया, बट उन्हें हार्मोन थेरेपी जो फीमेल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एंड मेल हार्मोन सप्रेस करने से पहले उन्होंने अपना सीमेन को प्रिजर्व करा दिया। क्या होता है कि सीमेन को अपना स्पर्म बैंक में आप कई साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आप उस सीमेन स्पर्म को यूज करके अपना बायोलॉजिकल बेबी पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सीमेन तो अपना प्रिजर्व कराया और उन्होंने अपना एक थ्रू IVF थ्रू सरोगेट मतलब कि पार्टनर सरोगेट थ्रू मतलब कि किसी अदर वेमेन के थ्रू उन्हें अपना IVF कराया, टेस्ट बेबी कराया, जिससे उनको 2 ट्विन बेबी हुए। तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि ये इस पर वीडियो बनाऊं जिससे कि और लोग जो मेल से फीमेल में अपना कन्वर्ट होना चाहते हैं अपना सीमेन प्रिजर्व करा लें बिफोर स्टार्टिंग हार्मोन थेरेपी। क्योंकि एक बार आपने मेल हार्मोन सप्रेशन थेरेपी स्टार्ट कर दिया, GnRH एगोनिस्ट प्लस फीमेल हार्मोन स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपका स्पर्म बनना कुछ महीनों बाद 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने स्पर्म टेस्टिस निकलवा दिया तो आपको फ्यूचर में कभी अपना स्पर्म नहीं मिल सकता है, जिससे कि आपका जो भी बेबी फ्यूचर में होगा वो आपके उसके अंदर आपके जीन नहीं होंगे। तो सलाह ये है कि अगर कोई बॉय या मेल फीमेल कन्वर्ट से पहले अपना बिफोर स्टार्टिंग हार्मोन थेरेपी अच्छे स्पर्म बैंक में जाइए, अच्छे जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े अपोलो हॉस्पिटल बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ सीमेन बैंक्स होते हैं जहाँ के अपना सीमेन डोनेट करके आप प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉस्ट करीब 1 ईयर प्रिजर्वेशन करीब कॉस्ट आता है 6,000 रुपये आता है। ये स्पर्म कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी ईयर्स, 10 साल 15 साल अप टू 20 ईयर प्रिजर्व किया जाते हैं बिना स्पर्म की क्वालिटी गिरे हुए। इस तरह वेमेन के अंदर भी अगर वो फीमेल से मेल कन्वर्ट करना चाहती हैं तो बिफोर स्टार्टिंग मेल हार्मोन थेरेपी अपना एग जो है वो निकलवा करके बैंक्स होते हैं जहाँ पे उसको डीप फ्रीज में डाल रख दिया जाता है, वो कई साल के बाद जब भी जरूरत होगी वो स्पर्म निकाल के और स्पर्म से मैच करके मीटिंग करा के और उनका अपना बच्चा बायोलॉजिकल फादर हो जाएगा जिसमें उनका अपना जीन होगा। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि अगर आप हार्मोन थेरेपी फॉर सेक्स चेंज के लेने जा रहे हैं उससे पहले प्लीज़ अपना स्पर्म यानी सीमेन या एग प्रिजर्व जरूर करा दें, सो दैट फ्यूचर में जब भी आप मदर या फादर बनना चाहें तो उसका यूज करके आप बन सकते हैं। तो ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो, बेसिकली आज से कुछ साल पहले ये ट्रेंड नहीं था, पर रिसेंटली ये इवन गाइडलाइंस बोलती हैं कि बिफोर स्टार्टिंग यू शुड प्रिजर्व योर स्पर्म और एग। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि आपको इसका क्या यूज है। तो एक बार हार्मोन थेरेपी स्टार्ट हो गई तो आप फिर आप सीमेन आपका निर हो जाएगा एंड वेमेन के अंदर एग बनना बंद हो जाएगा, तो फिर आप फ्यूचर में इसका यूज कभी नहीं कर सकते आप। तो आई होप वीडियो नॉलेज मिला कि कब क्या आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं।